माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 3 मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम एक्सरसाइज 3.5, आप ध्यान से देखेंगे जब आप यहां पे एक्सरसाइज 3.5 तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों एग्जांपल होंगे, ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो होंगे नए मेथड से होंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको ये जो क्वेश्चन होगा ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। ये आप कर सकते हैं, इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेना, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके देख लीजिएगा। इसमें सिंपली आपको दोनों मेथड से अलग अलग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। देखिएगा, आप अपनी बुक सामने रखिएगा और उस बुक में जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे सुनते रहिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार बुक खोल लीजिए आप लोग अपनी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्या दे रखा है, माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या दे रखा है आप लोगों को, यहां पे आप लोगों को यहां पे दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें दे रखा आप लोगों को कोई हॉस्टल है, उस हॉस्टल में आप जब खाना लेते हो तो उसके कुछ दिनों के चार्जेस तो फिक्स्ड है, मतलब 5 जैसे मान लीजिए वो 6 दिन अगर मान लीजिए आपने हॉस्टल में अगर मान लीजिए एंट्री ली आप लोगों ने खाना लेने के लिए, तो उसमें 6 दिन का तो फिक्स्ड रहेगा, चाहे 1 दिन का खाओ चाहे 2 दिन का खाओ। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी किया था टैक्सी वाला क्वेश्चन भी किया था, टैक्सी के कुछ चार्जेस फिक्स थे, उसके बाद वो नंबर ऑफ किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर देता था जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। इस प्रकार से यहाँ पे भी कुछ चार्जेस तो फिक्स होंगे और बाद में वो मल्टीप्लाई कर देगा जितने दिन उसने खाना लिया है, मतलब 20 दिन लिया है और 1 दिन का अगर y रुपीस है तो 20 दिन का हो जाएगा 20y, और x चार्जेस जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्जेस है, मतलब 1 महीने में आपको इतने चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे, चाहे आप 1 दिन खाओ चाहे 2 दिन खाओ चाहे 3 दिन खाओ चाहे 4 दिन खाओ, मंथली चार्जेस जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। मतलब 1 महीने का मान लीजिए उसके चार्जेस, मान लीजिए हम मान लेते हैं 1 महीने के उसके फिक्स चार्ज 400 रुपए तो आपको देने पड़ेंगे, और उसके बाद 30 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देगा, 1 दिन के होंगे तो 30 रुपए हो जाएंगे, 2 दिन के होंगे तो 60 रुपए हो जाएंगे, और टोटल मिला के जो होगा 1000 रुपए हो गया उसका। मैं आपको समझाता हूं, जैसे लेट द फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्जेस इज रुपीज एक्स एंड लेट द चार्जेस पर डे इज रुपीज वाई। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने खाना लिया 20 दिन के लिए तो 20y हो जाएगा और x तो देना ही पड़ेगा जो फिक्स चार्जेस होगा, तो x प्लस 20y, तो उसने कितने दिन के लिए खाना लिया था, पहली इक्वेशन जो बनेगी उसने 20 दिनों के लिए खाना लिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x तो उसके फिक्स चार्जेस हो गए जो कि मंथली है, उसे 1 मंथ में इतने तो देने ही पड़ेंगे, चाहे वो 1 दिन खाना खाए चाहे 2 दिन खाना खाए चाहे वो 3 दिन खाना खाए, प्लस उसने 20 दिन खाना खाया था तो 1 दिन का अगर मान लीजिए मैं कह देता हूं y रुपीस है तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 20y, 1 डे का 20y है, 1 डे का y रुपीस है तो 20 डेज का 20y हो जाएगा, टोटल मिला के जो चार्जेस हो जाएंगे वो रुपीज 1000 हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं लाइव ये सारे क्वेश्चनों को समझाऊंगा, तब बहुत अच्छे तरीके से ये समझाए जाएंगे आपको, नए नए एग्जाम्पल देकर, घबराने की आवश्यकता नहीं है, या फोन करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। x प्लस 20y = 1000 आ जाएगा, और लेकिन अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें इसके अंदर हम, तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी अगर आप ध्यान से देखो तो, अगली बार 26 होगा, x प्लस 26y है, 26 दिनों के लिए उसने खाना लिया है, 26 दिन खाना खाया था स्टूडेंट्स बी ने, ये स्टूडेंट ए था और अगला जो था वो स्टूडेंट बी था, स्टूडेंट बी की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा 1180 1180। माय डियर स्टूडेंट्स, आप दोनों को तो सोल्व कर ही सकते हैं, मैं थोड़ा हिंट के तौर पे आप लोगों के सोल्व भी कर देता हूं, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स प्लस में 20y माइनस 1000 = 0, एक्स प्लस में 26y माइनस 1180 = 0। आप सोल्व करके देखते हैं इसको, 20, 26, 1000 माइनस में
-1180, ये 1, ये 1 और ये 20 हो गया, और यहाँ पे भी कितना हो गया 26 हो गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। आप इसको सोल्व करोगे जब यहाँ पे, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 20, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 23600 माइनस में 26000 आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो y अपॉन में कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 1000 आ जाएगा जब इसको इससे करोगे, माइनस में 1000 इसको इससे करा तो यहां से जब करोगे तो प्लस 1180 आ जाएगा यहाँ पे, माय डियर स्टूडेंट्स x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस का आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो प्लस का हो जाएगा, y को इससे माइनस का हो गया और प्लस आ जाएगा, और 1 अपॉन में 26 माइनस में 20 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर आप यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स 3000, और यहां से आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो x की वैल्यू इस तरीके से निकल जाएगी आप लोगों की। में से x की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की x अपॉन में, यहां पे आप जब सोल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 2400, y अपॉन में 180, और 1 अपॉन में 6 आ जाएगी, आप सोल्व करके देख लीजिएगा। तो एक बार इसको ले लीजिए, 2400 अपॉन में 6 आ गया, 180 अपॉन में 6 आ गया, y की वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट 30, और x की वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट 400। तो मतलब आप लोग जब यहाँ पे देखा, आप लोगों ने देखा तो x की अपॉन 2400, y 180 हो गया, और 1 अपॉन में 6 हो गया, तो सोल्व करा 400 आ गया, y 30 आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो x फिक्स्ड मंथली चार्जेस हो गए 400, और यहां पर जो चार्जेस हो गए वो कितने हो गए आप लोगों के, y इक्वल टू 30 जो हो गया पर डे चार्जेस हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। देख लीजिए यहाँ पे दो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन को मैंने जस्ट सोल्व किया है, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 180 आ गया, और यहाँ पे 2400 आ गया, सोल्व कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की, 4 के सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप सामने बुक रखिएगा। एक फ्रैक्शन है, वो कहता है यहाँ पे फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, मतलब x और y, अगर x न्यूमिनेटर मान ले, डिनोमिनेटर y मान ले, न्यूमिनेटर में से 1 माइनस कर दीजिए डिनोमिनेटर से, इक्वल टू 1/3, 1/4 फ्रैक्शन आती है जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं। मैं इसमें कर देता हूं लेट द न्यूमिनेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y, फ्रैक्शन बिकम x अपॉन में y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो x माइनस 1 अपॉन में y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे सोल्व करके आ जाएगा 3x-3 इक्वल टू y, तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी 3x-y-3 इक्वल टू 0, ये हो गई पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये बन जाएगी x अपॉन में y प्लस में 8 इक्वल टू 1 अपॉन में 4, तो यहां से आ जाएगी 4x इक्वल टू y प्लस में 8, तो 4x माइनस में y माइनस में 8 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन आ जाएगी। एक तो पहली इक्वेशन ये वाली आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन आप लोगों की ये वाली आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। x की वैल्यू 5 आएगी यहां से आप जब सोल्व करेंगे, और y की वैल्यू 12 आएगी, तो यहां से फ्रैक्शन जो बन जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो बन जाएगी 5/12, ये आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4th के थर्ड पार्ट की 4 का जो थर्ड पार्ट होगा माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे तरीके से पता है जब आप कोई पेपर देने जाते हो तो उस पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट होते हैं। मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन टोटल मिला के 20 क्वेश्चन थे, मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन थे, उसमें से 15 तो आपके करेक्ट थे और 5 आपके इनकरेक्ट थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 थे, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 थे, 15 करेक्ट थे, 5 इनकरेक्ट थे। करेक्ट होने पर आपको मिल रहे हैं +4, इनकरेक्ट होने पर आपको मिल रहे हैं -1, ठीक होने पर आपको मिल रहे हैं +4, और गलत होने पर आपको मिल रहे हैं -1। तो 15 4 जा कितना हो गया 60, तो 60 नंबर तो ठीक हो गए आपके, लेकिन गलत क्वेश्चन 5 थे, इसकी वजह से -5 हो गया,
तो इसका मतलब क्या होगा, 55 मार्क्स आप लोगों के आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल मिला के कितने नंबर का पेपर हो गया, 80 नंबर का, 20 क्वेश्चन थे चार चार नंबर के, ठीक होने पर 4 मिल रहे थे, इनकरेक्ट होने पर -1 मिल रहे थे। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन जितने भी नंबर का होता है उसे मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन जितने भी नंबर का होता है अगर गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग से मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को माइनस कर दे तो नंबर ऑफ मार्क्स निकल आते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। यश एक लड़का है जिसने 40 मार्क्स लिए अब एक टेस्ट के अंदर, 3 मार्क्स तब मिलते हैं जब उसका क्वेश्चन ठीक होता है और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, गलत क्वेश्चन करने पर -1 हो जाते हैं, गलत क्वेश्चन करेगा तो -1 हो जाएंगे। अगर मान लो उसने एक्स क्वेश्चन ठीक करे तो 3x हो गए, y क्वेश्चन गलत किए तो 1y हो गया, लेकिन 3x माइनस 1y हो गया, मार्क्स कितने हो गए, 40। 4 मार्क्स ठीक होने पर मिल रहे हैं अगली बार, तो x क्वेश्चन उसने करे थे 4 मार्क्स ठीक, तो 4x हो गए, -2y हो गए और कितने नंबर मिले, 50 मार्क्स मिले हैं। मैं इसको करके दिखा देता हूं फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स इज एक्स, मान लीजिए उसके एक्स आंसर बिल्कुल ठीक थे और मान लीजिए नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स मान लीजिए वाई, एक्स आंसर उसके बिल्कुल ठीक थे और वाई आंसर उसके गलत थे, आपको अच्छे तरीके से पता है उसको राइट आंसर देने पर +3 मिल रहे हैं और रॉन्ग आंसर देने पर माइनस, आपने क्वेश्चन में -1 दे रहा है, -1 मिल रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन ठीक होगा तो +3, दो क्वेश्चन ठीक होगे तो +6, तीन क्वेश्चन ठीक होगे तो +9, एक क्वेश्चन गलत होगा तो मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन गलत तो -1 हो जाएगा, दो क्वेश्चन गलत होंगे तो -2 हो जाएगा, तीन क्वेश्चन गलत होंगे तो -3 हो जाएंगे। उसने एक्स ठीक दिए एक्स क्वेश्चन ठीक है उसके और एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो 3x हो गए उसके मार्क्स, एक क्वेश्चन गलत होने पर उसको -1 मिल रहे हैं और उसके वाई क्वेश्चन गलत थे तो -1y हो गए और टोटल मिला के जो उसको मार्क्स मिल रहे हैं, आपने अगर क्वेश्चन में देखा हो यश को तो 40 मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी 3x-1y=40, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पर आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आंसर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x-1y=40, जो कि पहली क्वेश्चन होगी करेक्ट थे, ये इनकरेक्ट थे, दोनों को माइनस कर दिया तो नंबर ऑफ मार्क्स आ गए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे अलग से समझ सकते हैं, जब लाइव बैच में समझाएंगे तो वो डिटेल में भी समझा दिया जाएगा। दूसरी क्वेश्चन जो होगा वो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, इसमें 4x होगा क्योंकि x ठीक थे तो 4 मिल रहे थे +4 और गलत होने में -2 मिल रहे हैं तो -2y हो गया और इसकी जो इक्वेशन बनेगी माय डियर स्टूडेंट्स तो 4x-2y=50 हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। आप इसको जब सोल्व करके देखोगे तो यहां से x की वैल्यू 15 आएगी और y की वैल्यू 5 आएगी, इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके कितने थे 15 ठीक थे और गलत क्वेश्चन कितने थे 5 थे। आप इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आंसर भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करवाने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपरों में बहुत बार आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखिए यहां पे। माय डियर स्टूडेंट इसके अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है, आपको इसके अंदर दो कार दे रखे, एक तो दे रखे कार, आपको इसके अंदर वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, दो पॉइंट्स दे रखे आप लोगों को प्लेस ए एंड बी, कार फर्स्ट एंड कार सेकंड मान लेते हैं, एक कार फर्स्ट मान लेते हैं और एक कार सेकंड मान लेते हैं और दो प्लेस दे रखे आप लोगों को, यहां कार फर्स्ट है और यहां पे कार सेकंड। कार फर्स्ट मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं, पहले क्वेश्चन को समझिएगा फिर उसके बाद करेंगे हम इस क्वेश्चन को। कार फर्स्ट और कार सेकंड
एक दूसरे से एक हाईवे के ऊपर 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्टैंड है, एक कार ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक कार बी पॉइंट से स्टार्ट होती है अलग अलग स्पीड से, और दोनों की दोनों कारें, क्वेश्चन में पढ़िएगा आप लोग, 5 घंटे बाद देखते हैं तो दोनों की दोनों कारें सी पॉइंट पे 5 घंटे बाद पहुंचती है। मान लीजिए ये तो बहुत धीरे चल रही थी, मान लीजिए ये बहुत तेज चल रही थी, कार फर्स्ट 5 घंटे बाद देखते हैं तो सी पॉइंट पे पहुंचती है, और कार सेकंड 5 घंटे बाद देखते हैं, मतलब दोनों कारें सेम टाइम पे स्टार्ट हुई थी, 5 घंटे बाद देखा ये बहुत तेज से चली तो यहां पहुंच गई, और बहुत धीरे धीरे चल रही थी, 5 घंटे बाद जब दोनों को देखा गया तो दोनों सी पॉइंट पे पहुंची हुई थी। 5 घंटे बाद जब दोनों एक दूसरे के साथ दोनों कारें सी पॉइंट पर आ गई, टाइम था 5 आवर्स, और जो कार फर्स्ट है वो एक्स स्पीड से गई और कार सेकंड जो है जो कि धीरे धीरे जा रही थी स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर, वाई जो है, और कार सेकंड जो है वो वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ जा रही थी, दोनों की दोनों सी पॉइंट पर पहुंची। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो है फर्स्ट केस कि दोनों कारों ने अलग अलग स्पीड में जब ट्रेवल किया डिस्टेंस, तो 5 घंटे बाद फर्स्ट कार ने तो एसी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एसी डिस्टेंस, और कार सेकंड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बीसी डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये तो हो गया डिस्टेंस और ये हो गई स्पीड। सेकंड कंडीशन में पहले आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर आप करिएगा। सेकंड कंडीशन में अगर हम बात करें, ये कार फर्स्ट है और ये कार सेकंड है, दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में गई, ये इस तरफ गई और ये इस तरफ गई, दोनों कारों को 1 घंटे बाद देखा तो दोनों कारें ए बी ए सी पॉइंट पे देखा तो दोनों कारें 1 घंटे बाद सी पॉइंट पे यहां पर आकर एक दूसरे से मिल गई। ये एक्स स्पीड थी इसकी और इसकी स्पीड थी माय डियर स्टूडेंट्स वाई। टाइम कितना था? 1 आवर, और यहां पे भी टाइम 1 आवर, 1 घंटे बाद जाके मिली थी दोनों की दोनों कारें एक दूसरे से, दोनों की स्पीड अलग अलग थी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे दोनों की दोनों कारें एक दूसरे के पहुंच गई थी, मैं इसको नाम दे देता हूं डी। तो मतलब कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एसी एडी। और कार बी ने, जो कार सेकंड है, कार फर्स्ट ने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया माय डियर स्टूडेंट्स वो एडी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कार फर्स्ट ने एडी, और कार सेकंड ने, कार जो सेकंड थी हमारी उसने बीडी डिस्टेंस ट्रेवल किया माय डियर स्टूडेंट्स। इसने टाइम कितना लिया था? 1 आवर। इसने भी टाइम कितना लिया था? 1 आवर। 1 आवर आपको इस समझ में आ गया होगा, दोनों कारों का डिस्टेंस, दोनों कारों का टाइम। इसमें स्पीड क्या थी? एक्स किलोमीटर पर आवर, और इसमें स्पीड क्या थी? वाई किलोमीटर पर आवर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूं। दोनों कारें जब सेम डायरेक्शन में गई, ये भी कार इस डायरेक्शन में गई, ये भी कार इस डायरेक्शन में गई, तो सी पॉइंट पे देखा 5 घंटे बाद दोनों कारें 5 घंटे बाद सी पॉइंट पे पहुंच गई थी। कार फर्स्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया एसी, स्पीड थी एक्स और टाइम था 5 आवर। कार बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया बीसी, स्पीड थी वाई और टाइम था 5, जो कि मैंने लिख भी दिया है। कार फर्स्ट कार सेकंड स्पीड अलग अलग थी, दोनों का टाइम 5 5 था, डिस्टेंस अलग अलग था। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करूंगा, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इज एक्स किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी इज वाई किलोमीटर पर आवर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका केस फर्स्ट बना लेता हूं पहले। ये कार फर्स्ट
ये कार सेकंड, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है, ये कार टू ने किया था सी पॉइंट तक और उसने ए सी किया था, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फर्स्ट दैट इज नोन एज ए सी। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक कार फर्स्ट की वो एक्स थी तो मैंने एक्स लिख दिया, टाइम कितना था माय डियर स्टूडेंट्स, कार ने यहां सी पॉइंट पहुंचने में 5 आवर्स, तो कितना हो गया 5x डिस्टेंस आ गया यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से अगर दूसरी बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार सेकेंड दैट इज इक्वल टू द बी सी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। और माय डियर स्टूडेंट्स स्पीड क्या है यहां पे वाई, और टाइम कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, वही 5 था तो यहां पे कितना आ गया 5 आया, डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में ले लीजिए आप क्योंकि किलोमीटर में दे रखा है। एक छोटा सा बताते हैं, क्या आप एसी को एबी प्लस बीसी लिख सकते हैं, यहां पे एसी को एबी प्लस बीसी लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब एसी को एबी प्लस बीसी लिख सकते हैं, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा इन दोनों कारों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 का दे रखा है, 100 किलोमीटर का, मतलब ए बी कितना है 100। माय डियर स्टूडेंट ए बी 100 हो गया, और बी सी हमने अभी भी पीछे निकाला था वो 5y था, और ए सी निकाला था तो वो कितना था 5x था, आप देख भी सकते हैं ये रहा ए सी 5x था और बी सी की बात करें तो वो 5y था डिस्टेंस। सोल्व करते हैं यहां से, 5x माइनस में 5y इक्वल टू 100 आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 100 आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया, ये हो गई पहली इक्वेशन बन गई माय डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से अगर केस टू की बात करें, केस टू की बात करें अगर यहां पे डिस्टेंस, इसकी फिगर बना देते हैं पहले, वही कार फर्स्ट कार सेकेंड, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वही डिस्टेंस आप लोगों का इस बार भी कितना है 100, 100 किलोमीटर है, वही स्पीड इसकी एक्स किलोमीटर है और टाइम 1 आवर है, यहां पे वाई किलोमीटर पर आवर है, टाइम 1 आवर है, यहां जो पॉइंट है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं इस बार डी दे देते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे दोबारा स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस